अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवरफुल किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वेजिटेबल सूप, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हम शामिल करेंगे अपने गर्म मसाले, जिसमें हैं 2 तेज़पत्ते, दालचीनी, लौंगें, काली मिर्चें, बादियान के फूल और बड़ी इलायची। इन सबको शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे। इसको फ्राई करने के बाद हम यहाँ पर शामिल करेंगे 375 ग्राम 1.5 पाव चिकन। आप चाहें तो बोनलेस या फिर कैसे भी जो आपको पसंद हो शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। हमें सिर्फ चिकन का जो पानी होता है उसे खुश करने से कलर चेंज होने तक पकाना है। अगर आपके चिकन जल रही है तो हल्का सा आप यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी किया है। उसके बाद हम शामिल करेंगे यहाँ पे नमक, आप हसबे जायका भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून ऑफ हल्दी, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छा ये सूप जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और हेल्दी रेसिपी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसे फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने शामिल किए हैं, हम क्योंकि ग्रीन ऑनियन यूज़ करेंगे बाद में, तो हमने उसी का बल्ब यूज़ कर लिया है, और अदरक और लहसुन के कुछ जवे हैं वो शामिल करने के बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि उसका अरोमा हमारे चिकन के साथ मिक्स हो जाए। ये जब मिक्स हो जाएगा तो हम यहाँ पर शामिल करेंगे 4 कप ऑफ वाटर। ये एक मग मैंने लिया है, तो ये 4 कप के इक्वल आ जाएगा। आप नाप के यूज़ कर सकते हैं। ये पानी शामिल करने के बाद हम इसको हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। मैं बता रही थी कि ये सूप बहुत ही मज़ेदार है, कि उसमें चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, और सर्दियों में हम सबका दिल करता है कि कोई ऐसी चीज़ खाई जाए, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 से 25 मिनट हो चुके हैं उसको हल्की आंच पे पकते हुए। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, जो भी है चिकन प्याज सब इसको हम निकाल लेंगे, और सिर्फ नीचे हमारा जो सूप है उसको छोड़ देंगे। स्ट्रेन करने के बाद हमने अपनी चिकन को मोटा मोटा रेशा कर लिया है, ज़्यादा बारीक रेशा नहीं कीजिएगा। मोटा रेशा करने के बाद हम अपने सूप में चिकन ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके अलावा हमने यहाँ पे लिया है 1 कैरेट, जिसको हमने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है, और 1 हरी प्याज, इसको भी हमने बारीक कट कर लिया। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और 2 से 4 मिनट इसको पकने रखेंगे, क्योंकि हमारी जो कैरेट्स होती हैं थोड़ी हार्ड होती है, ताकि वो थोड़ी नरम हो जाए और सूप में हमें एक अच्छा सा लेविश सा जायका मिले, और उसको वो बहुत मज़ेदार सा लगे। 2 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारी गाजर नरम हो चुकी है और हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको पानी में मिक्स कर लिया है। ये स्लरी तैयार हो चुकी है हमारी। इस स्लरी को आहिस्ता आहिस्ता हम मिक्स करते जाएंगे, चलाते जाएंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट पकाना है, ताकि हमारा जो सूप है वो थोड़ा सा थिकन हो जाए। जब हमारा सूप थिकन हो चुका है तो हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून ऑफ काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। इन सबको ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स देंगे, और इसके बाद हमने एक अंडा फेंटा हुआ है उसको हम ऐसा ऐसा चलाते हुए ऐड करेंगे, ताकि वो जो रेशा रेशा आ रहा होता है ना, एग्स के चंक्स आ रहे होते हैं, वो बहुत मज़े लगते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसको जब सर्व करेंगे तो ऊपर से भी हम एग्स, बॉयल एग्स शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा सूप रेडी हो चुका है, 2 से 3 मिनट पकाएंगे और सर्व करेंगे। जब तक कि अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।